हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम प्रिंट करते हैं ए टू जेड यूजिंग लूप। अभी एक स्लाइट मॉडिफिकेशन करते हैं इस प्रोग्राम में। जैसे कि हमने ए टू जेड प्रिंट किया था लास्ट वीडियो में, अभी इस वीडियो में हम एक मॉडिफिकेशन करेंगे, वो है 1 to 10 तक प्रिंट करेंगे नंबर्स को। ठीक है फ्रेंड्स, वो भी लूप के इस्तेमाल से। सो सेम प्रोग्राम में जस्ट लाइट मॉडिफिकेशन है, वो करते हैं, देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके लिए मैं क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को। CLS। सो मैं उसी प्रोग्राम पर जाता हूँ, वही प्रोग्राम में एडिट लूप डॉट ASM। ठीक है फ्रेंड्स, सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि असेंबली प्रोग्राम टू प्रिंट 1 to 10। ठीक है फ्रेंड्स, 1 to 10, 1 to 10 नंबर्स। ठीक है फ्रेंड्स, सो मुझे यहाँ पर क्या करना है, मैंने क्या किया था लास्ट वीडियो में, मैंने 26 कैरेक्टर को लूप में लगा दिया था। सो मैं अभी क्या करता हूँ, CX रजिस्टर की मदद से 10 को लूप पर लगाता हूँ, वो भी 10 टाइम्स लूप होना है। क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है 10 टाइम्स। सो मैं यहाँ पर DL में क्या करता हूँ, लास्ट वीडियो में मैंने 65 असाइन किया था, 65 इज़ द ASCII कैरेक्टर ऑफ A। सो अभी नंबर्स के लिए क्या करना है, ASCII कैरेक्टर ऑफ 0 को असाइन करना है। सो मैं क्या करता हूँ, DL 48 को DL में सेट करता हूँ। ASCII कैरेक्टर ऑफ 0 इज़ वॉट, DL इज 48, 48 मीन 0। ओके फ्रेंड्स, सो मैं लूप में लगा देता हूँ और इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ सेम वे, और इंक्रीमेंट DL लूप सेम प्रोग्राम में। मैंने क्या कर दिया, जस्ट मैंने ASCII कोड को चेंज किया है यहाँ पर। सो अभी इसको मैं रन करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ नहीं है, सिंपल सा प्रोग्राम है, जस्ट लाइट मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, जस्ट खेलना है रजिस्टर और रजिस्टर को लेकर, रजिस्टर को रजिस्टर के साथ खेलिए, कुछ भी कीजिए और आउटपुट निकाल दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, सो इसका एक अलग ही फंडा है। सो इसको रन करके देखते हैं। सो मैं फाइल पर जाता हूँ, सेव, एग्जिट कर देता हूँ। सो मैं कंपाइल कर देता हूँ इसको, मैसम लूप डॉट ASM, कोई भी एरर नहीं है। सो मैं लिंक कर देता हूँ, लिंक के लिए लिंक डॉट ऊप डॉट ओबीजे। सो यहाँ पर भी कोई एरर नहीं है। सो मैं रन कर देता हूँ लूप डॉट exe। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं आप 0 to 9 प्रिंट हो चुका है। सो इसके लिए क्या करना है, और एक कुछ मैंने 1 to 10 करने के लिए बोला था। सो मैं आपको क्या करना है, 48 की जगह 49 कर दीजिए और आपका लूप 10 बार चलेगा और 0 to 9 तक प्रिंट हो जाएगा, 0 to 1 to 10 तक प्रिंट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल सा प्रोग्राम है। और इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।